बीजी वो चावल मैंने डाल दिया, रोटी भी, आपने दाल डाल दी है ना, हाँ, मटर पनीर के ऊपर तूने डाल दिया जीरे का तड़का। यार पूरी फौज तैयार है मुझ पे अटैक करने के लिए, कितना खाना खिलाएंगे, इतना खाना खा के तो मैं मर जाऊंगा यार। लगता तो कुछ ऐसे ही है, आज तुम शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। व्हाट मजाक कर रही है, आ जाओ बीजी। अब मटर पनीर तो पसंद है ना जी? देखो बेटा जी तुम्हारे लिए क्या बढ़िया बढ़िया मीठा बनाया है, गाजर का हलवा, लड्डू। हाँ बीजी, और दही बड़े तो आप भूल ही गए, दही बड़े भी हैं। इसकी प्लेट के यहाँ पे रख देते हैं बीजी, ये लो जी। बेटा आपके लिए प्लेट दाल मखनी। आपने तो सिर्फ मीठा बोला था, इतना कुछ बना दिया। अब हमारे साथ भी तो खाओ बेटा, और वैसे भी बड़ों का प्यार ना खाने में ही निकलता है, इसलिए हमने खाने में प्यार दिखा दिया। वैसे भी तो सुबह से घर से निकले होगे, कुछ खाया है कि नहीं खाया तो हो जाए। दादी मैं कौन सा भाग भाग के सेंचुरी बना के आया हूँ, बस थोड़ा सा खाना तो वैसे घर पे भी बना होगा, मैं वही खा लेता। करण सर को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर एक काम कर, तू दही बड़े से शुरू कर दे, कटोरी पकड़ा। एक और बस बस, देख दाल के साथ बड़ा अच्छा लगेगा, देख आकर आकर आकर। अच्छा अच्छा चलो अब बस करते हैं ना, शायद सच में पेट भर गया होगा, रहने दो ना, इतना क्या। नहीं लेकिन कम से कम थोड़ा सा मीठा तो बनता है, ये देखो बस मेरे हाथ से, बड़ी मेहनत से बनाया तेरे लिए बेटा। ये लो पकड़ो। वो मैं फोन फोन हाथ में निकाल दे, मैं निकालता हूं। अच्छा तो मैं पकड़ लूं तब तक? हां तो मैं पकड़ लेती हूं, थैंक यू। करीना बुआ, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा वापस आ जाना, खाना बचा हुआ है अभी। हेलो, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए करण, तुमने उस सरला अरोरा को जेल से क्यों निकाला? अब भी के अब भी घर आओ और मेरे सवाल का जवाब दो। ओके गिरीश। यस मैम। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें छोड़ के सबको यहाँ बुलाओ, वो लोग मैंने बुलाया है अभी। ओके मैम। अच्छा जी मैं चलता हूँ, मुझे फौरन निकलना होगा। दोबारा आना बेटा। जी बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया, चलता हूँ। बाय करण सर। बाय। अब एक मिनट, मैं अभी आई। मम्मा अरे मुंह मीठा तो किया ही नहीं हमने। हाँ एक मिनट, अरे बस थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ही ले रही हूँ। अरे सरला। हाँ बीजी। कप्पू को फोन करके बता दे कि तू खैरियत से घर आ गई है, परेशान था वो। अभी फोन कर देती हूँ मैं। करण एक मिनट, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। नहीं कोई बात हो है, तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है बता ना। करीना बुआ का फोन आया था, उन्हें पता चल गया कि मैंने सरला आंटी को जेल से निकाला है। आवाज से इतनी अपसेट लग रही थी। हाँ जी ये तो पता था कि फैमिली को एक ना एक दिन ये बात पता चलेगी, लेकिन इतनी जल्दी बिजली गिरेगी ये नहीं सोचा था। तो क्या सोचा था तुमने? पता नहीं, सोचा तो ये था कि शैलेन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा, ताकि ये प्रूव कर सकूं उसने जो कुछ भी सगाई में किया गलत किया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लूंगा कि जो तुम कुछ कह रही हो शैलेन के बारे में वो सब झूठ है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर ने ये बात बुआ को बताई होगी, अब तक तो उन्होंने पूरा घर इकट्ठा कर लिया होगा, पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा। एक मिनट, तो तुमने क्या सोचा है, तुम क्या बोलने वाले हो इस मुसीबत को टालने के लिए? अरे जस्ट लेट मी गो यार, जो कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं करण, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुम क्या बोलने वाले हो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, जस्ट लेट मी गो यार, मैं वहाँ पे जाके खुद देख लूंगा, तुम्हें से क्या मतलब? अरे मुझे डर है, डर इस बात का है कि शर्लिन को कहीं शक ना हो जाए कि हमें उसके सारे राज पता चल गए, फिर वो लड़की अलर्ट हो जाएगी, और अगर उस लड़की में जरा भी अक्ल है ना तो वो ये जरूर सोचेगी कि तुम मेरी मदद ऐसे ही तो नहीं करोगे, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, और इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि तुम जान गए हो कि हमारी कोई गलती नहीं है, और असली गुनहगार
शर्लिन खुद है। अगर ये बात उसके दिमाग में आ गई ना तो वो खतरनाक लड़की कुछ भी कर सकती है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें बहुत ही संभल कर चलना होगा। कर तुम्हें मेरी चिंता हो रही? हम दोनों की चिंता हो रही, क्योंकि शर्लिन को रंगे हाथों पकड़ना हम दोनों का मिशन है। क्योंकि अभी तक तो उसे जो करना था वो खुलेआम करती रही, क्योंकि उसे पता है कि इल्जाम मुझ पर और मेरे परिवार वालों पर लगा। लेकिन अब अगर उसे तुमने कोई सॉलिड वजह नहीं बताई कि तुमने मेरी मदद क्यों की है, तो वो लड़की चौकन्नी हो जाएगी और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? I think you're right. मुझे भी इसी बात का डर था। Anyways, मैंने तुमसे रूडली बात की, I'm sorry, लेकिन ये सब मैं संभालूंगा। एक मिनट, मेरी बात। अरे अब क्या हुआ यार? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, एक ऐसी कहानी जिससे शर्लिन को कभी पता नहीं लगेगा कि हमें उस पर शक हो गया। कैसी कहानी? देखो, तुम घर जाओ और सबको कह दो कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। हाँ, मेरे पास तुम्हारा कोई ऐसा MMS क्लिपिंग था किसी लड़की के साथ, जो मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी माँ को जेल से रिलीज नहीं करवाया तो मैं वो MMS क्लिप रिलीज कर दूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों कोई यकीन नहीं करेगा? क्योंकि तुम ऐसी लड़की नहीं। क्यों, मुझमें क्या कमी है? अरे अक्ल की दुश्मन, तुम्हारी तारीफ थी ये। ओह, समझ में नहीं आया ना तुम्हारे मुंह से जो निकली, इसलिए सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक। तुमने जोक मत मारा, उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए था जो तुम में बिल्कुल जीरो है, समझी तुम? ओके फाइन, नो जोक्स, ओके? एक्चुअली तुम उस टाइप की लड़की हो ही नहीं, ये ब्लैकमेलिंग MMS तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी तुम? मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं बुआ को ये बोल दूं कि मैंने माँ की विश वाली बात सुनी नहीं थी, कैसा रहेगा? बिल्कुल बेकार, क्योंकि जब ये बात हुई थी तुम भी वहीं खड़े थे, राइट? तुम्हारा आइडिया बहुत ही कमजोर है। ओहो, मेरा आइडिया कमजोर है और तुम्हारा आइडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, MMS का आइडिया। सब जानते हैं कि मैं MMS टाइप का लड़का ही नहीं हूं, do you understand? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम बड़े शरीफ टाइप के लड़के हो? अरे लड़कियों के साथ मैंने देखा। अरे वो तो मैं बस, क्यों तुम्हें क्यों बताऊं, क्यों बताऊं? हाँ मत बताओ, वैसे भी पर्सनल बातों का ढिंढोरा कोई नहीं पीता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो प्रीता, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूं और मुझे तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं, डू यू अंडरस्टैंड? लिसन, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा है, मैंने तुम्हें कितनी टेंशन दे दी ना। देखो, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि शर्लिन को ये पता चल गया कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, इस बात को लेकर वो अलर्ट हो गई होगी। अब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि वो कोई कदम ना उठाए। घर से फोन है, आई हैव टू लीव। हेलो, मिस कर रही थी ना मुझे? हाँ, बहुत ज्यादा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी कि तुम घर गए हो, तुमसे क्या सब सवाल कर रहे होंगे सब, और क्या हालत हो रही होगी, सब ठीक है ना? अरे यार चुप कर जाओ, कितना बोलती हो तुम यार। मेरे पास कोई रिमोट कंट्रोल भी नहीं है कि तुम्हें फोन पे चुप करा दूं। हाँ, तो तुम्हारे मुंह पे हाथ रख देता, समझी तुम? अच्छा ठीक है, मुझे एंजाइटी हो जाती है थोड़ी। ओके, आई एम सॉरी, बस मुझे इतना बता दो कि सब ठीक है घर पे। अब क्या बताऊं तुम्हें मैं, तुमने मुझे कितना सुना है, कितनी खरी खोटी सुनाई मुझे, तुम जानती हो मुझे कितनी डांट पड़ी, और बुआ ने तो यहां तक कह दिया कि तुमने मुझ पे कोई जादू टोना किया। एक बात बताओ, सच में कोई जादू टोना तो नहीं किया? नहीं तो? अरे यार इतनी टेंशन में है कि जोक भी नहीं समझती। अच्छा लिसन, सब लोग घर में मुझसे बहुत अपसेट है। हां बहुत ज्यादा, यहां तक कि ऋषभ भाई भी। ऋषभ जी भी तुमसे अपसेट हैं? नॉट एग्जैक्टली, उसका बस ये कहना था कि मैंने अपने परिवार का भरोसा तोड़ा, उसका विश्वास तोड़ा, यू नो मॉम बीमार है, उनकी बात माननी चाहिए थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब सबने मुझे घेर के सवाल करने शुरू किए ना, तो जानती है क्या हुआ, एक मिरेकल हो गया, मॉम आ गई और उन्होंने मेरा साइड लिया। उन्होंने कहा कि मैंने बोला था करण को प्रीता की हेल्प करने के लिए। सच में मॉम ने झूठ बोला, लेकिन कितना अच्छा झूठ था। I love my mom. I love her too. अच्छा जी, और मैं? मैंने इतना कुछ किया, इतनी गालियाँ सुनी, इतनी बातें सुनी, इतनी प्रॉब्लम झेली, मेरे लिए कुछ भी नहीं, नथिंग, हाँ? ऐसी बात नहीं है, I love you too, Karan. What? What you just said? You love me, right? I knew it. You love me. हाँ, एक मिनट। मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो।
तुम्हें समझ में नहीं आता है? एक मिनट। लव यू का मतलब लव यू होता है। यू लव मी। तुम मेरे प्यार में पागल हो मिस मिंटल। ओह माय गॉड। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुम्हारे पीछे बड़ी हुई हूँ, बस। अब बोलती रहो, मुझे अच्छा लग रहा है, बोलती रहो। अब जरा जो टॉपिक है मेन, उस पे तो बात कर ले। शर्लिन, शर्लिन का क्या रिएक्शन था? शर्लिन थोड़ी सी परेशान हो गई थी वो, लेकिन बाद में रिलैक्स हो गई। मैंने थोड़ा उसे रिलैक्स फील करवाया। यू नो, रिलैक्स हो गई तो कोई ना कोई गलती जल्दी करेगी, फिर हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, समझी? प्लान तो अच्छा है, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? यार अब मैं फोन पे सारी बातें तुम्हें समझाऊंगा, प्लीज फोन रखो, बाद में बात करेंगे। I'm so tired, इतनी बातें सुन के मेरे कान पक गए हैं, I'm mentally tired है, मुझे सोना है। बाय प्रीता। और एक बात और, तुम्हारा मन तो नहीं भरा होगा मुझे लव यू कहने से? अपने प्यार का इजहार बाद में भी कर सकते हो। You know, I'm sleeping. Bye, baby. What nonsense? ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो,